जिम में एक्सरसाइज करते करते जान चली जाना, इस तरीके के मामले अब काफी सामने आ रहे हैं। एक और यूपी के वाराणसी से एक ऐसा केस सामने आया है जहां पर जिम में एक्सरसाइज कर रहे 32 साल के युवक की अचानक जमीन पर गिरने से जान चली गई। ये युवक जब जिम कर रहा था उसी वक्त उसके सिर में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बाकी लोग उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिम कर रहे युवक का निधन हो गया। यहां शहर के सिद्धिगिरी इलाके में 32 साल का युवक जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसी दौरान उसके सर में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। आनन फानन में युवक को नजदीकी निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के चेतगंज क्षेत्र के पियरी इलाके के रहने वाले 32 साल के दीपक गुप्ता बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। रोज की तरह वो शहर के सिद्धिगिरी बाग इलाके में मौजूद एक जिम में सुबह एक्सरसाइज करने पहुंचे थे। एक्सरसाइज करने के दौरान जब उनके सिर में दर्द हुआ तो वो बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। बैठे बैठे कुछ ही देर बाद दीपक जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे। दीपक को जमीन पर गिरा देख आसपास एक्सरसाइज कर रहे लोग दौड़कर दीपक के पास पहुंच गए। ये वाक्य सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद दीपक को तुरंत महमूरगंज इलाके में मौजूद एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि एक्सरसाइज के बाद दीपक को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ऐसा दिल का आकार बढ़ने की वजह से हो सकता है। दीपक के पीछे उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। दीपक के निधन के बाद उनके परिवार के लोग सदमे में हैं। दीपक का अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनके परिवार वालों ने कर दिया है। ऐसे ही कई केसेस हाल ही में भी सामने आ चुके हैं जहां पर जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हुआ और लोगों की जान चली गई। फिलहाल आप क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।